नमस्कार साथियों, आज की वीडियो सभी अध्यापक साथियों के लिए है। अध्यापकों के लिए खबर है, अध्यापकों के लिए खबर, राजपत्र हुआ था जारी। निम्न बिंदुओं को बताना चाह रहे हैं अध्यापक साथियों। हमारे लिए ये सोशल मीडिया से मिली जानकारी है, हम आपको जो मिली जानकारी है उसको पढ़ के बताएँगे। अगर आप पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, हम आपको इस वीडियो में ये बता रहे हैं। और दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आपका दोस्त चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और आपके मन में कोई विचार हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। आपका दोस्त चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, और पास में आएगा बेल का आइकन, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। और वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। महोदय जी, मेरा निम्नलिखित आपत्तियों पर तत्काल संज्ञान लेकर राजपत्र में संशोधन कर अध्यापक संवर्ग को शोषण से मुक्त किया जाए। राजपत्र के नियम एक संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ में उपनियम में एक में मध्य प्रदेश राज्य स्कूल सेवा संचालन के संवर्ग में सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 उल्लेखित है। इसके स्थान पर मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग स्थापित किया जाए। मेरा निवेदन है कि मूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग को विभाजित कर नए नाम को अस्तित्व लिया जाना उचित नहीं है। नए नाम का अस्तित्व और उस कैडर में कार्य करने वाले नौक सेवकों की मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा शोषण की पद्धति की ओर संकेत करता है, जो हमें स्वीकार नहीं है। राजपत्र में के नियम 5 भर्ती का तरीका उपनियम में एक वर्तमान कार्यरत अध्यापक संवर्ग को सेवा प्रारंभक गठन के समय नियुक्त किए जाएंगे का उल्लेख है। मेरा निवेदन है कि वर्तमान कार्यरत अध्यापक संवर्ग को सेवा के प्रारंभ गठन में नियुक्ति शब्द को विलोषित कर संविलियन शब्द का प्रयोग किया जाए, ताकि सेवाकालीन लाभ एवं सेवानिवृत्ति उपरांत के लाभ के लिए पूर्व सेवा अवधि की गणना के आधार पर लाभ प्राप्त हो सके। राजपत्र के नियम 5 में भर्ती का तरीका के उपनियम में वर्तमान में कार्यरत सहायक अध्यापक, अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापक को क्रमशः प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षक का नाम दिया जाए। पूर्व अनुभव के आधार पर मेरा निवेदन है कि नया कैडर स्थापित किया जाए जाना शासन की अकलमंदी मनोवृद्धि को दिखाता है। अतः प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक पदनाम को विलोपित कर इनके स्थान पर मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के प्रचलित पदनाम क्रमशः सहायक शिक्षक, शिक्षक अध्यापक, वक्ता पदनाम दिया जाए, तथा यही परिवर्तन राजपत्र के नियम 11 सीधी भर्ती के चयन पर तथा नियुक्ति की पद्धति के उपनियम 1 में भी किया जाए। राजपत्र के नियम परिवीक्षा में सीधी भर्ती के अधीन नियुक्त किए गए प्रत्येक व्यक्ति को 2 वर्ष की कलापी के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया का उल्लेख किया जाए। मेरा निवेदन है कि परिवीक्षा अवधि सीधी भर्ती के अधीन नियुक्त किए गए प्रत्येक व्यक्ति की 1 वर्ष की जाए। राजपत्र के नियम पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के उपनियम में 2 हाई स्कूल प्राचार्य पदोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा में न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्यता के पश्चात लोक सेवकों की पदोन्नति हेतु वरिष्ठता है उपनाम को आधार माना गया है। मेरा निवेदन है कि लोक सेवकों की पदोन्नति हेतु मध्य प्रदेश में एक ही विभाग दोहरी पद्धति प्रचलन में नहीं है। अतः अति नियम 2 में परिवर्तन पर हाई स्कूल प्राचार्य पदोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा का वरिष्ठता सह उपयुक्तता में किसी एक को आधार बनाया जाए। राजपत्र के नियम 14 पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के उपनियम में 3 श्रेणी सीधी भर्ती से नियुक्त शिक्षकों को पदोन्नति के लिए पात्र तभी माना जाएगा जब ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुका हो उल्लेख है। मेरा निवेदन है कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग या नवीनी
नवीन गठित मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के आधार पर सीधी भर्ती का प्रावधान नहीं है, इसलिए पदोन्नति हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की शर्त को विलोचित किया जाए। राजपत्र के नियम 14 में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के अधिनियम 7 में उल्लेख किया गया है कि पदोन्नति क्रमोन्नति के प्रकरणों पर विचार करते समय सेवा अवधि की गणना शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार की जाएगी। मेरा निवेदन है कि इस उपनियम से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि सीधी भर्ती से उल्लेखित लोक सेवकों के संदर्भ में कहा जा रहा है, यह पूर्व से कार्यरत अध्यापक संवर्ग के संबंध में कहा जा रहा है। उस उपनियम को विलोचित कर स्पष्ट किया जाए कि सीधी भर्ती से नियुक्त लोक सेवकों को पदोन्नति राजपत्र की अनुसूची 4 के अनुसार दी जाएगी और पूर्व के अध्यापक संवर्ग के रूप में कार्यरत संवर्ग को उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक को आधार मानकर क्रमोन्नति पदोन्नति दी जाएगी। राजपत्र के नियम 17 वरिष्ठता का निर्धारण के उपनियम में उल्लेखित किया गया है कि संवर्ग के नियम में 5 के उपस्थित 3, 2, 1, 2, 3 के अधीन नियुक्ति सदस्यों की वरिष्ठता का निर्धारण अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति नियुक्त आदेश दिनांक एवं चयन सूची के क्रम अनुसार किया जाएगा। इस उपनियम पर मेरा विशेष निवेदन है कि अध्यापक संवर्ग में संविलियन किए जाते समय शिक्षाकर्मी एवं संविदाशाला शिक्षकों को उनके द्वारा पूर्व में की गई सेवा अवधि का लाभ सेवा अवधि की मानना कर क्रमोन्नति पदोन्नति में दिया गया था, तब शिक्षाकर्मी को जो पूर्व से ही वेतन पर नियुक्त होने के कारण आर्थिक लाभ अतिरिक्त वेतन वृद्धि के रूप में अध्यापक संवर्ग में संविलियन किए जाते समय दी गई थी। अतः इस उपनियम के अध्यापक संवर्ग में वरिष्ठता को विलोचित कर स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि शिक्षाकर्मी संविदाशाला शिक्षक नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता एवं सेवा अवधि की गणना की जाए। चूँकि इस संवर्ग में लोक सेवकों को मध्य प्रदेश शासन द्वारा शासन के लोक सेवक का दर्जा प्राप्त होता है, इसलिए 2005 के पूर्व नियुक्त शिक्षाकर्मियों जिन्हें वेतनमान प्राप्त था एवं संविदाशाला शिक्षकों को पूर्व के प्रचलित नियमानुसार नियमित पेंशन पारिवारिक पेंशन की पात्रता उनके नियुक्ति दिनांक के आधार पर घोषित की जाए। साथ ही इस संवर्ग का लोक सेवक मध्य प्रदेश शासन के लोक सेवक के रूप में सेवानिवृत्ति होगा, इसलिए ग्रेचुटी उपनाम नियमित पेंशन पारिवारिक पेंशन का पूर्ण लाभ मिल सके, इस हेतु सेवा अवधि गणना एवं वरिष्ठता शिक्षाकर्मी शाला शिक्षक नियुक्ति दिनांक से मान्य की जाए। राजपत्र के नियम 18 सेवा की अन्य शर्तें के उपनाम में एक में कहा गया है कि विकल्प नहीं देने पर नियम 5 के उपनियम 1, 2 एवं 3 के अनुसार नियुक्ति की पात्रता प्राप्त नहीं होगी, जबकि परिशिष्ट 1 विकल्प के प्ररूप में अध्यापक संवर्ग में बने रहने का विकल्प अथवा दिया हुआ है जो विरोधाभासी है। अतः निवेदन है कि अध्यापक संवर्ग में बने रहने का विकल्प पे परिशिष्ट 1 विकल्प का प्ररूप विलोचित किया जाए। यह स्वयं सिद्ध है कि नए संवर्ग का विकल्प न भरने पर वह अपने पुराने संवर्ग अध्यापक संवर्ग में ही रहेगा। राजपत्र नियम 18 सेवा की अन्य शर्तें के उपनियम में 2 में उल्लेखनीय है कि अध्यापक संवर्ग के व्यक्ति इस नियम के प्रभावशील होने के पूर्व में अवधि के वेतनमान भत्तों पर योजना की आदि को इस सेवा के संदर्भ में प्राप्त करने को हकदार नहीं होंगे। मेरा निवेदन है वह उपनियम न्याय की स्वतंत्रता को सीमित करता है, अतः इस नियम को विलोपित किया जाए। राजपत्र के नियम 18 सेवा की अन्य शर्तें के उपनियम 3 में उल्लेखनीय कि शासन द्वारा शालाओं में उपस्थिति दर्ज कराने तथा ड्रेस कोड में संबंध में जो भी अनुदेश समय समय पर जारी किया जाए वे इन नियमों के अधीन नियुक्त और पदोन्नत किए गए व्यक्ति पर बाध्यकारी होंगे। मेरा निवेदन है कि यह उपनियम परीक्षा पक्षपात पूर्ण है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक संवर्ग एवं मध्य प्रदेश शासन के समस्त लोक सेवकों पर भी उपस्थिति दर्ज कराने तथा ड्रेस कोड के संबंध में सामान्य नियम हों। अतः मेरा निवेदन है कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो उस उपनियम को भी विलोपित किया जाए। इस राजपत्र में कहीं पर भी 7वें वेतनमान एवं मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक संवर्ग समान सुविधाएँ लागू होंगी
का उल्लेख नहीं है, जबकि सातवां वेतनमान मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2016 से अस्तित्व आ चुका है। मेरा निवेदन है कि सातवां वेतनमान एवं शिक्षक संवर्ग में समान सुविधाओं के राज्य पत्र के नियम 18 सेवा की अन्य शर्तों में उपनियम बनाकर सम्मिलित किया जाए। इस राजपत्र में जारी होने के तत्काल 237,000 अध्यापक संवर्ग के लोग प्रभावित होना है। राजपत्र प्रकाशन उपरांत दावे उपाधि का समय निर्धारित न किया जाना एक पक्षीय निर्णय की ओर संकेत करता है। अतः मेरा निवेदन है कि दावे आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु विधेयक समय दिया जाए। मुख्यमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण संबंधित पद होता है। अध्यापकों की मांगों पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने आवास पर अध्यापकों को बुलाकर 21 जनवरी 2018 को शिक्षा विभाग में सम्मेलन की घोषणा करते हुए कहा था कि अब मध्य प्रदेश में एक ही विभाग, एक शिक्षा विभाग और एक ही पदनाम शिक्षक होगा। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित करते समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पूर्व घोषणा की पुनरावृत्ति की थी और ई अटेंडेंस संबंध में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आवास के विभिन्न कर्मचारी संगठनों के समक्ष घोषणा की थी कि शिक्षकों को अपमान करने वाली इस व्यवस्था को प्रदेश में लागू नहीं होने दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अपने पिता श्री का मुंबई में इलाज कराते समय अस्पताल से घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश शासन के अन्य कर्मचारियों की तरह अध्यापकों को भी सातवां वेतनमान दूंगा। मेरा निवेदन है कि जारी राजपत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा एवं मनसा को सम्मान नहीं दिया गया है, इसलिए इससे संवैधानिक पदों पर विराजित व्यक्ति की छवि धूमित होती है। इस संवैधानिक पदों पर कार्यरत व्यक्ति के प्रति जनता और लोक सेवकों से अविश्वास पनपता है, जिससे लोकतांत्रिक भावना को क्षति पहुंचती है। अतः राजपत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा एवं मनसा को स्थान दिए जाने हेतु संशोधन किया जाए। अतः महोदय जी से निवेदन है कि उल्लेखित आपत्तियों का बिंदुवार निराकरण पर राजपत्र में संशोधन कर आदेश शीघ्र अति शीघ्र जारी किए जाने का कष्ट करें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट जानकारी पाने के लिए आपका दोस्त चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों, मन में कोई विचार आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आपका दिन शुभ।